अमन यादव, अमन यादव सभी जिलेवासियों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को इस तरह की शुभकामना देंगे और पटाखे के बारे में दो शब्द बताएं। सभी प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को मैं बस यही दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में भाई दूज भी आ रही है, तो ये बड़ा पावन समय है सबके लिए। सारे त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, तो सारे त्यौहारों के लिए भाई दूज दीपावली के लिए इकट्ठी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है इन क्रैकर्स पे, पटाखों पे, तो ये बहुत सही रोक है, क्योंकि आजकल जैसे आपने देखा बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत प्रदूषण बढ़ रही है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफें सबको हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, और बहुत अलग अलग प्रजातियों की उन्हें दिक्कतें हो रही हैं और का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग डिजीज़ पैदा हो रही हैं जिसका पहले कोई नामो निशान नहीं था, मगर प्रदूषण की वजह से वो बढ़ गई हैं और आजकल लोगों में, बच्चों में वो फैल रही हैं। तो वो सब चीज़ों से एक तरह से आज़ादी मिलेगी लोगों को और एक तरह से निषाद मिलेगा लोगों को, तो ये अच्छा एक कदम है जो लोगों को थोड़ा ठेस लगेगा क्योंकि ये उनके त्यौहार से जुड़ी हुई है, मगर धीरे धीरे ये लोग के जब चलन में आ जाएंगी तो लोगों को दीपावली बगैर पटाखों के ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाया करेंगे और ज़्यादा खुशी से मनाया करेंगे। जो आजकल थोड़ी तनातनी है कि पटाखे बंद हो रहे हैं हमारे त्यौहार के लिए एक तरह से हानिकारक है कि ऐसा क्यों करा जा रहा है, मैं धीरे धीरे लोगों में वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, पटाखों के बारे में सब बता दें। पटाखों के बारे में क्या, छोटे जो बच्चे हैं पटाखे ना चलाएं? नहीं, जैसे पटाखे आप यहाँ पे तो रोक नहीं है और जगह तो रोक है पटाखों की, तो वहाँ पे तो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो किसी को पटाखे चलाने की अनुमति ही नहीं है, मगर अब ये छोटी जगह है यहाँ पे जैसे अभी पटाखों की उतनी वो बैन नहीं है, वहाँ पे लोगों को आसानी से मिल रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं बस बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगा कि ये पटाखे आपको 2 मिनट की खुशी तो देते हैं, मगर ये आपसे आपके आने वाले कुछ सालों को कम कर देते हैं, तो ये एक तरह से आप के लिए हानिकारक हैं, तो इनसे दूर रहिए। इन्हें टीवी और यूट्यूब पे ही देख के मज़े लीजिए और हर्षोल्लास से दिवाली को खाली कैंडल से और बढ़िया दीपक से ये जला के ही आगे बढ़ाइए।